अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं इस प्लॉट में, किचन वाले में, और इधर भी सब सामान है और इधर भी सब सामान है। भाई ये सर को है ना पूरा किचन का ही सामान चाहिए होटल के लिए, तो बस इसीलिए हम इधर घूम रहे होटल के सामान के लिए। सर को हर एक जगह पे दिखा दिया, अब देखते हैं बस अभी एक दो लास्ट ही बचे हैं, तो क्या कहाँ पे किस तरह डील होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सब कुछ आपको आप लोगों को है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवरी पे ज़्यादा मिलेगी कि भाई कहाँ से क्या लोड हो रहा है, किस तरह जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, और क्या पैकिंग रहती है, क्या पैकिंग नहीं रहेगी, ये भी पता चल जाएगा। और पैकिंग रहेगी ना तो इस तरह पन्नी में रहेगी, बस दैट्स इट। इसके बाद पैकिंग कुछ नहीं भी नहीं रहेगी। और अपने भाविन भाई भी आ चुके हैं, और वो दूसरे का है ना भाई फेस नहीं लेना है, तो बस इसीलिए मैंने कहीं पे ब्लर किया होगा ना, तो इसीलिए किया होगा, बस दैट्स इट। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। भाई सर को है ना ये एक चीज़ पसंद आ चुकी है, और इसमें ये 3 सेल्फ है, इधर उसका पूरा मशीन रहता है, मोटर वगैरह उसका जो कंप्रेसर वगैरह रहता है वो है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल्फ है, और बड़े 4 है, और इधर भी इस तरह इधर भी 1 और 2 स्टेप दिए हुए हैं, तो बस यही साइज़ में सर को चाहिए, और समझ लो कि यही चीज़ चाहिए, बस सर के लिए चीज़ परफेक्ट है, यही चाहिए बस, दैट्स इट। और आई थिंक ये है ना देखो ऊपर से वेल्ड करके स्क्रू से लगाया हुआ है, ऐसा ही सेम टू सेम चीज़ इधर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लगाया हुआ नहीं है, तो ये एज इट इज शिप का है, और इसमें ये चीज़ रिनोवेट किया हुआ है। भाई अभी आप वापस चेक कर सकते हो दूसरे किचन के प्लॉट में। भाई आप लोगों को आज है ना सबसे ज़्यादा किचन के जितने प्लॉट है ना वही देखने को मिलेंगे, और आज का अपना पूरा वीडियो है ना किचन के बारे में ही हुआ है। तो और दूसरी बात ये है कि अभी हम होटल पे गए थे, खाना वाना खाया, एकदम पेट भर के चिल किया, बाकी अभी वापस आ चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या डील डन होती है, और आगे जिस तरह कुछ बात होंगी ना मैं आप लोगों को बता दूँ। और डिलीवरी वाला जब भी वीडियो आएगा ना देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मैं और भाविन भाई अलग में नहीं है, तो तभी आना चाहते हो तो तभी मत आना, और तभी कॉल भी मत करना। लोगों भी आप चेक कर सकते हो, हम अभी आ चुके हैं एंटीक वाले प्लॉट में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये शिप का अभी लाइट जला के दिखा दिया कैसा है कैसा नहीं, और बाकी यहाँ पे और जो कुछ सामान है वो आप चेक कर सकते हो एंटीक में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और ये अपने देखो, और बाकी बहुत सारा है सामान इधर अवेलेबल। पूरा डेडिकेटेड वीडियो अभी क्या है कि ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगा ना तो वीडियो इसमें ही और इधर ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बारे में शायद आप लोग बोलोगे, तो डेडिकेटेड वीडियो का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या अभी इधर ब्लैक दिख रहा है ना, अभी इधर थोड़ा लाइटिंग दिखेगा, तो ये आप थोड़ा चेक कर लो, जैगुआर हॉर्स वगैरह एंड स्टिक कंपास स्टिक, ओह सॉरी वॉच है, वाओ, और बाकी इधर सब कुछ। भाई भाविन भाई को इस टाइप की टीपॉय भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लगी है, और आप सारे लोग कमेंट करो इसके इस टाइप का है ना प्योर ओरिजिनल गोल्ड का गिफ्ट करेंगे, प्योर ओरिजिनल 24 कैरेट का गिफ्ट करेंगे। क्या भाविन भाई या फिर टीपॉय दोनों और कार्टून लीलर जब होगा तब ये कर देंगे। इस तरह आप स्टिक चेक कर सकते हो, पूरी हो चुकी है पैक, इधर जो मैंने आप लोगों को इधर दिखाई ना ऐसी वॉच वाली इस तरह है, तो बाकी इधर आप चेक कर सकते हो एसी वाली थी ना एसी वाली स्टिक, तो वो ही है, देखो कलर अलग है लेकिन चीज़ यही है, तो ये जो चीज़ है ना ये फाइनल होके ये पूरा फोल्डिंग है, तो ये भी घड़ी भी बंद है, इसमें सेल डालने के बाद वॉच भी स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह का है कुछ व्यू। जो भाई लोग आप चेक कर सकते हो अभी हम दूसरे कोल्ड रूम वाले प्लॉट में आ चुके हैं, इस तरह का हैंडल है और इस तरह ओपन होता है, अंदर पूरा बॉडी बनाना पड़ता है नीचे का, और देखो यहाँ पे इस तरह कुछ है, और ये बंद और ये भी बंद, ये भी आप चेक कर सकते हो।
ये पूरा बॉक्स ले लिया। ये जो है ना चेन है प्लास्टिक वाला, तो ये पूरा बॉक्स का वजन इतना हुआ है, लेकिन ये जो बॉक्स है ना उसका हमने वजन लेस कर दिया और ये पूरा चेन जितना है ना 40 kg वो यहाँ से डन कर दिया। जो कल वाला जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि हमने जो जो सामान लिया था वो यहाँ पे हो चुका है पैक। ये एक लाइट है और इसके अंदर सब कुछ वो डिटेल है, मैंने आप लोगों को कल दिखा दिया। ये भी हॉर्न है, ये एक एक्स्ट्रा लाइट है और ये भी पैक हो जाएगा। और उसके पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज दिखा दूँ, ये जो बॉक्स फाइनल हुआ था ना उसके अंदर भी अपना पूरा सामान है। वो जो कंदील लाइट थी ना वो उसमें है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और बस ये भी पूरा बॉक्स भी है, अपना येलो वाला बॉक्स है ना वो भी है। तो भाई लोग आप इधर चेक कर सकते हैं, दूसरे प्लॉट में आ चुके हैं फर्नीचर देखने के लिए। उधर ये सोफा है ना ये चेक करने के लिए, और इधर बहुत सारी चेयर्स है और इस तरह का भी नया टेबल बनाया हुआ है बेंच के साथ, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। बाकी इधर जितना भी सामान है, सोफा 3-1 है, 3+2+1 में भी अवेलेबल है, 3+3 अवेलेबल है, 3+1+1 अवेलेबल है, और बहुत कुछ भाई। आप जो जिस टाइप में सोफ़ा मांगोगे वो मिल जाएगा। और ये सारा का सारा शिप का प्योर एंड ओरिजिनल है, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं है। इसमें ये जो कपड़ा है वो भी चेंज नहीं है, ओरिजिनल लेदर होगा तो लेदर होगा, जिसमें कपड़ा होगा इसमें कपड़ा होगा, और जिसमें इस टाइप वेलवेट टच होगा तो ये वेलवेट टच होगा देखो। और इसको हमने रिनोवेट करके ये ऋषिकेश वाले में भेजा था सोफ़ा, तो वो वाले डिलीवरी वाले वो कौन से भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या इसमें से हमने भेजा था। और यहाँ पर अभी कपड़ भी नए स्टॉक अवेलेबल हुए हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और मैंने मेरे अंकल के लिए यहाँ से ही सोफ़ा बनवाया है इसी कापड़ में। लोग आप इधर चेक कर सकते हो, ये 1-2-3-4 स्टेप या 4 सेल्फ में ये चीज़ फाइनल हो चुकी, इधर अपनी हो चुकी है सिग्नेचर। और इस तरह का मटेरियल है, ये पूरा ओरिजिनल शिप का 304 है, तो ये मटेरियल देख सकते हो, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो ऐसा वाला 1-2-3-4-5-6 और 7, इस तरह कुछ 7 चीज़ है यहाँ से फाइनल हुई है। और इसमें ये छोटे छोटे होल है, ये चेक कर सकते हो आप। और छोटे छोटे होल वाले कितने हैं, 1-2-3 छोटे छोटे होल वाले। और इस तरह आप इधर चेक कर सकते हो, इसमें बड़े बड़े होल है, तो इस तरह के 4 फाइनल हुए हैं, 1-2-3 और सामने एक पड़ा है 4, बस दैट्स इट। तो भी आप चेक कर सकते हो, अभी हम आ चुके हैं भविन भाई के प्लॉट में, और ये सारी है ना डिक्लाइनर पड़ी है। यहाँ से आप पूरी लाइन चेक कर सकते हो, और बहुत सारी ये देखो, ये पूरी लाइन देखो, 1-2-3-4-5-6-7-8 रिक्लाइनर अभी अवेलेबल है, अलग अलग कलर में विथ इलेक्ट्रिक। और दूसरा भी इधर आप सोफ़ा वगैरह चेक कर सकते हो, इधर सिंगल चेयर भी अवेलेबल है। ये सोफ़ा शिप का ओरिजिनल, ये भी आप चेक कर सकते हो। इधर भी 3 सीट में रिक्लाइनर अवेलेबल है, और इधर भी एक है ये जो है ना ये, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ये सिंगल सीट सोफ़ा और बहुत सारी वेराइटी। इसके बारे में आप लोगों को फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना, बना दूँगा आपके लिए। तो भाई देख लो वापस, और एक नए प्लॉट में हमारी हो चुकी है एंट्री। प्लॉट हो चुका था बंद, लेकिन ओनर को रिक्वेस्ट करके वापस प्लॉट करवा दिया ओपन। और यहाँ पे देखो भाई साहब, पूरा झूमर लाइट शिप का सब कुछ ओरिजिनल सामान आप लोगों को इधर मिल जाएगा। तो बस अभी सर को सब एक एक चीज़ दिखाते, बाद में आप लोगों को आगे बात करते हैं। तो भाई ये रहे अपने भविन भाई, तो भविन भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मज़ेदार रहा, इतने अच्छे क्लाइंट जब मिलते हैं हमको, जो हमको भी सपोर्ट करते हैं, मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं, और चीज़ें लेने में उसका फोकस भी बहुत बढ़िया रहता है, तो ऐसे क्लाइंट हैंडल करने में हमको भी बड़ा मज़ा आता है। तो भाई मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि भाई इसकी तो कोई हद ही नहीं भाई, इतना दिल से दिल मिल गया ना कि भाई बात ही मत पूछो। और नहीं रियली बहुत ही अच्छे गाई, बहुत ही अच्छे बंदे थे, और फुल 2 दिन से हम इंजॉय कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, और नहीं बहुत ही अच्छा लगा। और सर ने बहुत कुछ सामान भी लिया है, और वो आप लोगों को डिलीवरी वाले जितने भी वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने कहीं पे ब्लर किया है तो उसकी वजह है कि क्योंकि सर का जो फेस है नहीं रिवील करना है,
भाई वो भी देखो इशू कोई चीज़ है ना, प्राइवेसी वो मैटर करता है। तो बस मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने पूरा ये भी वीडियो देखा है, इसके पहले वाले भी वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो, ताकि आप लोगों को ये जितना भी वीडियो जिस तरह स्टार्ट हुआ है, जिस तरह एंड हुआ है, वो आप लोगों को पता चले। और हाँ, और एक मतलब बता रहा हूँ, 26 और 25 सितंबर से लेकर 2-3-5 अक्टूबर तक मैं और भाविन भाई अलग में नहीं है। कोई भी बंदा आना चाहता है तो ये चीज़ नोट कर लो, हम अलग में नहीं मिलेंगे। और हमारा ये जो एक्सपीरियंस रहा ना सर के साथ, वो भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सर भी मिस करेंगे और हमारा जो टाइम स्पेंड सर के साथ हुआ ना, वो भी हम मिस करने वाले हैं। और बस जब सर के पास मुंबई जाएंगे तब आप लोगों को मिलेंगे वहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है। और बस आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और बहुत शायद लंबा भी हो गया होगा, और हम समंदर किनारे पे भी गए थे, वो भी आप लोगों ने देखा। उसके बारे में मैंने आपको बोला था ना कि वो जो कंटेनर जो शिप या दूसरा शिप होता है उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो देखना पसंद करते, तो वो भी मेरे को बताना। और बस आज का वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इधर तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो दिल से आप सबका शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो बाय बाय।